अभी पिछले दिनों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है। हम और आप जानना चाहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के मन में क्यों आया ये? अचानक एक दिन उठे और कहा कि साहब अब फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा, नीति आयोग कुछ भी कहे, स्वास्थ्य की बाकी एजेंसियां कुछ भी कहें, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया। तो इस सवाल का जवाब कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा, इसका जवाब आपको नेदरलैंड में मिलेगा। नेदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में एक बड़ा प्लांट भी लगा चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया कि फोर्टिफाइड राइस चलेगा, तो तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट लग गया। 1800 करोड़ का यह बिजनेस है फोर्टिफाइड राइस का। अब रॉयल डीएसएम भारत सरकार के नीति निर्धारकों तक कैसे पहुंचा, यह बड़ा रोचक तथ्य है। यह उसी रास्ते से पहुंचा जिस रास्ते का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कंसल्टेंट्स। मोदी सरकार को एलर्जी है एनजीओ से, यह तो हमने और आपने सबने देखा, लेकिन एलर्जी नहीं है कुछ एनजीओ से। ये इन कंसल्टेंट से या इन एनजीओ से कोई एलर्जी नहीं है जो जीएसएम, रॉयल डीएसएम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 ऐसी संगठन, देर आर 6 ऑर्गेनाइजेशंस विच आर आइदर पार्टनर्ड विथ रॉयल डीएसएम और फंडेड बाय रॉयल डीएसएम और देर इज अ कोलैबोरेशन विथ रॉयल डीएसएम। ये 6 ऐसी संस्थाएं भारत के मंत्रालय के भीतर बैठकर, एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया पीयूष गोयल जी की मंत्रालय द्वारा, उस रिसोर्स सेंटर के भीतर बैठकर यह नीति तय की कि फोर्टिफाइड राइस इस देश में अब मैंडेटरी होगा, वही मटेगा, वही बिकेगा। आप सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत छोटी बात हो जाती है। मैं कंपनी चलाता हूं, संजीव एनजीओ चलाता है, संजीव के एनजीओ को मेरी कंपनी से पैसा मिलता है और संजीव का एनजीओ सरकारों में जाकर बोलता है कि साहब आपको ये वाला चावल, कौन सा चावल जो मेरी कंपनी बनाती है, ये चावल आपको कंपलसरी कर देना चाहिए। छोटा लब्बो लबाब इस पूरी कहानी का यह है हमारा अमृतकाल। इस अमृतकाल में बच्चों को, गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को विष दिया जा रहा है और इसको अमृतकाल बताया जाता है।